जहां पे 20-25-25-30-30 जानवर होते हैं ना, पहले दिन तो हम पकड़ते हैं वही 3-4 ग्राहक। अच्छा। सबसे पहले तो मियां इजाज साहब की तरफ, इजाज भाई बड़े अच्छे आदमी, साधारण ऊंट लिए होते हैं उन्होंने, 10-12 गाय होती है, बछड़े होते हैं, और उसके बाद को 20-25 बकरे भी होते हैं। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कुर्बानी हम 5-6 घंटे में करके आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद अगली तरफ पहुंच जाते हैं। तो अगली तरफ और कहाँ कहाँ गए? बस सबसे पहले तो गए जरदारी साहब की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था बाले बेटा टाइम पे पहुंच जाना। वहां गए तो खुश हो गई तबीयत भाई, सैकड़ों बकरे बांधे हुए। अच्छा। मैंने कहा जनाब जानवर कहाँ? कहते वो नजर नहीं आ रहे तने, जानवर ही है सारे। जब जानवरों की तरफ बढ़े हैं तो जानवरों में से एक नारे की आवाज आई है, जीए बुड्ढो। मैंने कहा हजूर बकरे तो नारे लगा रहे हैं। कहते हैं बस जो जो ये वाला नारा लगाए उसे छोड़ दो, बाकी सारे कुर्बान कर। बकरे भी ये नारे लगा रहे थे? जी जनाब, जरदारी साहब के पास पहुंचे ना तो वहां तो बेजुबान चीज भी नारा लगा देती है। फरीद भाई बकरे तो इतने देर लग रहा था, कुछ जलसा हो रहा। अच्छा। मैंने कहा जरदारी साहब इतने बकरे कैसे हम जिबा करेंगे? कहते हैं बेटा जरदारी टेक्निक इस्तेमाल करो। जरदारी टेक्निक? जी। कहने लगे छुरी का इशारा किसी और बकरे की तरफ करो और फेरो किसी और पे। बस यो ही टेक्निक इस्तेमाल की है, वो भी खुश हो गए, हमारा भी काम खत्म हो गया। तो तुम बड़े माहिर हो अपने फन में। जी हाँ। उसके बाद पहुंचे डार साहब की तरफ। अच्छा। डार साहब के पास भी गए? जी हाँ जी हाँ, जाहिर है वो भी एक बड़े आदमी है, उन्होंने भी फोन किया हुआ था बाले मेरी तरफ जरूर आना और पहले दिन ही आना। मगर उनकी तरफ जब पहुंचे तो लेने के देने पड़ गए। वो क्यों? जब फोन किया डार साहब ने, मैंने कहा कुर्बानी कितनी है? कहते हैं बेटा फिक्र ना कर, पूरी मुल्क की खजाने जितनी कुर्बानी है। मैंने कहा फिर तो बहुत ज्यादा जानवर होंगे। जब वहां पहुंचा मैंने कहा जनाब कहाँ है जानवर, नजर नहीं आ रहा। मोटे सीसों वाली ऐनक थमा के कहने लगे ये लगा के जरा देखो अपने पांव की तरफ बकरा खड़ा है। जब मोटे सीसों वाली ऐनक लगा के देखा तो खरगोश जितना बकरा खड़ा था। मैंने कहा यो बकरा? कहते हैं भाई तुम्हें बताया था जितना मुल्क की खजाना है उतनी कुर्बानी है। बस बाएं हाथ से बकरा उठाया, दाएं हाथ से सूरी फेरी। जल्दी जल्दी हाथों में ही बना बनू के उनको पेश किया। बकरा तो बाऊजी इतना छोटा था, उसकी कुर्बानी ऐसे होगी जैसे बांध मखनी लगाते। उसके बाद डार साहब कहने लगे बेटा आप जल्दी से इसके 3 हिस्से कर दो। अच्छा। वो मैंने कहा जनाब इसके 3 हिस्से करके क्या करना? कहते हैं एक हिस्सा बांटूंगा गरीबों में। अच्छा। दूसरा भेजूंगा रिश्तेदारों में। और तीसरा घर में रखूंगा, आए गए मेहमानों के आगे पेश करेंगे। मैंने कहा हजूर ये किस तरह इसमें से इतना कुछ निकाल लेंगे? कहने लगे बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अपने मुल्क की खजाने में से बजट निकाल लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्बानी में भी उन्होंने डार टेक्निक इस्तेमाल की। जी हाँ जी हाँ, गोश्त बनाते हुए बड़ा बखत पड़ा। मैंने कहा जी बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? कहने लगे भाई जितनी भी रखनी है IMF की शरायत के मुताबिक रखनी है। अच्छा, फिर तो पैसे अच्छे खासे मिले होंगे डार साहब की तरफ से। खाक अच्छे मिले पैसे। क्यों, क्या हुआ? 10,000 रुपए बकरा कर रहे थे, 7,000 रुपया दे दिया। हम चुप कर गए भाई, वो बड़े आदमी है, क्या बोल ले इनके आगे। जब 7,000 लेके निकलने लगे हैं तो कहने लगे इधर आओ जरा, 2,000 वापस करो, कसाई टैक्स भी काटना है। जब 5,000 जेब में डाला तो कहते हैं अभी बाहर निकाल लो, यो बताओ तुम फाइलर हो या नॉन फाइलर। मैंने कहा वो क्या होता है, 1,000 रुपया और ले लिया वापस। मैंने कहा हद हो गई भाई, मैंने 4,000 को गनीमत समझा। निकलने लगा तो कहते हैं उरे आओ जरा, ये छुरी टोका रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाओ। 1,000 और ले लिया छुरी टोका रजिस्ट्रेशन फीस दे के। जब मैंने 3,000 जेब में डाल के गेट की तरफ कदम बढ़ाया तो पीछे से कहने लगे बाले 2-3 दिन में मसाला 2.5-3 लाख तो कमा ही लेते हो गए। मैंने कहा जी मालक का शुक्र है बन ही जाता। कहते हैं 2 लाख के ऊपर जिसकी इनकम है 2,500 उसका भी काटना पड़ेगा। 2,500 और ले लिया, जो 500 बच गया था मरा मुक्का। मैं नेफे में अड़ा के भाई निकलने ही लगा हूं तो कहने लगे बकरा ले भी दी है। मैंने कहा वो क्या होती है जनाब, ये कोई बकरा इश्तेहार तो नहीं जो लेवी लगा के करना पड़ता है।
कहने लगे इनकम टैक्स एडवांस जमा करवाया। मैंने कहा हजूर गरीब आदमी है क्यों इस तरह कर रहे हैं? कहने लगे अभी तो कैपिटल गेन टैक्स भी रहता है। मैंने हाँ ना किए बगैर 500 रुपया नेफे से निकाला, उनकी हथेली पे टकाया और निकलने ही लगा तो कहने लगे कहाँ जा रहे हो भाई, 5000 तो अभी फिक्स टैक्स भी दोगे फिर जान छूटेगी। फिर क्या जी, मैंने सगिर्द से छुरी लेकर डार साहब को पकड़ाई, उनके पाँव में लेट गया। मैंने कहा जनाब छुरी फेर दे गरीब आदमी की। एक तो दिया 7000, ऊपर से उसका भी कीमा कर दिया। गरीब के पैसों के कोफ्ते बना के खाते हैं ये बड़े लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो।